हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो तक अपन ने एक्सेलरेशन स्पीड वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो अपन ने यही टॉपिक 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, पर वहाँ पे अपन ने इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली थी किसकी हद से, ग्राफिकल मेथड की हद से। यहाँ पे अपन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे किसी कैलकुलस मेथड से। तो आपकी तीन इक्वेशन कौन कौन सी होती है मोशन की? फर्स्ट इक्वेशन कौन सी होती है? वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन आपकी होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये आपकी तीन इक्वेशन है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है? वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो डेरिवेशन कर रहे हैं अपन फर्स्ट इक्वेशन की। जो इसकी डेरिवेशन है वो कौन से फॉर्मूले से निकलती है? वहां पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से निकलेगी, लेकिन एक्सेलरेशन कौन सा होगा आपका? डिफरेंशियल कैलकुलस से अपन एक्सेलरेशन कौन सा निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर से यहाँ पे एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला, किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? जो आपकी वेलोसिटी है उसका अपन क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से या इस फॉर्मूले से आपका क्या निकलेगा? आपकी फर्स्ट इक्वेशन निकलेगी। कैसे अपन देखते हैं, इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड में तो आपका क्या हो जाएगा? डी वी इक्वल टू ए डी टी। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर मैं इसको डाल रहा हूँ 1। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरी, और यहाँ पे मेरे क्या है, डिफरेंशियल के फंक्शन है, एक तो वी और एक कौन सा है? टी। तो अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन के लिए इस इक्वेशन नंबर 1 का क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। अब मेरे को इसको इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करना है तो लिमिट भी चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रल करना होगा, क्योंकि अपन को डेफिनेट इंटीग्रल पता है। कैसे पता है? अपन लिमिट पुट कर रहे हैं। कैसे लिमिट पुट करेंगे? सबसे पहले दो चीज़ों की अपन को लिमिट पुट करनी है जो डिफरेंशियल के टर्म्स में आ रहे हैं। एक तो कौन आ रहा है आपका? वी, और एक कौन आ रहा है आपका? टी। तो अपन को दोनों की लिमिट पुट करनी पड़ेगी। दोनों की लिमिट कैसे पुट करते हैं? फॉर एग्जांपल आपके कोई बॉडी का मोशन हो रहा है, अब अगर मैं उसकी मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता हूँ, तो जिस टाइम पे मैं उसको स्टार्ट करूंगा वो मेरा कौन सा हो जाएगा? जीरो टाइम। फॉर एग्जाम्पल कोई रोड के ऊपर एक व्हीकल जा रहा है, तो जैसे ही मैंने उसको अपनी वॉच में देखना स्टार्ट करा, तो वो जब मैंने उसको देखना स्टार्ट करा वो मेरे लिए कौन सा है? जीरो टाइम। तो जब भी अपन बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं वो अपना कौन सा होता है? जीरो टाइम होता है। तो व्हेन t इक्वल टू जीरो, मतलब इनिशियली आप उसको देख रहे हो कि जब आपका टाइम जीरो है, आपका टाइम जीरो है तो इनिशियली उसके कुछ ना कुछ मोशन में है, तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसकी होगी। तो अपना जब जीरो टाइम है, अपन ने जब उसको फर्स्ट टाइम बॉडी को ऑब्जेक्ट को देखना स्टार्ट करा, तो उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी है उसको अपन क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। जब अपन उसको फर्स्टली ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट अपन करते हैं स्मॉल यू से। ऐसे ही कुछ टाइम जब पास हो जाएगा, जिस टाइम तक अपन बॉडी के मोशन को कंसीडर कर रहे थे, फॉर एग्जांपल जीरो से टी टाइम तक, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इनिशियली मैंने उसको देखना चालू करा, उसके बाद में 10 सेकंड तक उसका मोशन देख रहा हूँ, तो मैंने कुछ टाइम पीरियड तक उसको देखा, वो टाइम पीरियड तक आपका यहाँ पे क्या है? स्मॉल टी। ठीक है, उसके बाद में अब 10 सेकंड तक आपने बॉडी के मोशन को कंसीडर कर दिया, इनिशियली आपने उसको देखा, तो इनिशियली आपने उसकी वेलोसिटी को क्या बोल दिया? इनिशियल वेलोसिटी। और लास्ट में 10 सेकंड तक आप उसको देख रहे हो, 10 सेकंड पे जब आप उसको देख रहे हो तो उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी है उसको अपन क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। तो टी टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कौन सी हो गई? फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल वी से। तो अपन को क्या मिल गई? अपन को अपनी लिमिट्स मिल गई। क्या लिमिट्स मिल गई? कि जब आपका टाइम कितना है? जीरो, तब आपकी वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी यू। और जब आपका टाइम कितना हो गया? टी, तब आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई? वी। तो अपन इन लिमिट्स के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं इक्वेशन 1 का। तो बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 with putting limits of t and v, टाइम की और वेलोसिटी की अपन लिमिट पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन 1 कौन सी है? आपकी इक्वेशन क्या है? डी वी इक्वल टू ए डी टी, ये आपकी क्या है? इक्वेशन नंबर 1। अब इसका अपन क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट पुट करनी पड़ेगी। ये क्या है? वी। तो वी की लिमिट क्या है? इनिशियली यू, फाइनल कितनी है? वी। तो इनिशियल लिमिट कितनी हो गई? यू। फाइनल लिमिट कितनी हो गई? वी। ऐसे टाइम की लिमिट यहाँ पे टी, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम की लिमिट क्या है? जीरो से लेके टी। लोअर लिमिट कितनी है?
जीरो अपर लिमिट कितनी है टी। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि नीचे कौन सी लिमिट आती है लोअर लिमिट और अपर कौन सी लिमिट आती है अपर लिमिट। ठीक है, अब अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये क्या है इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। अब इसके आगे कोई फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है मतलब अपन क्या बोल सकते हैं इसको वन, और वन डॉट डी वी अपन को पता है कि क्या होता है इसका वी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वी। जब v प्लस जी होता है कब, जब इंडेफिनिट होता है, लेकिन अपना यहाँ पे लिमिट पुट कर रहे हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए ओनली क्या है v। ये वही वाला है इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट डी एक्स। तो आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट डी क्या होता है x, ऐसे यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट डी वी तो उसका क्या होगा v। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं v। तो ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब लिमिट ब्रैकेट में लिख रहे हैं, लिमिट क्या है लोअर कितनी है u, अपर कितनी है v। ऐसे ही a, a क्या है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कहाँ आ जाता है डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में बाहर, तो कॉन्स्टेंट क्या है a उसको बाहर कर दिया, और उसके बाद में वापस यहाँ पे कितना हो गया आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू t dt, और वापस ये कैसा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट dt, और वन डॉट dt का मतलब इंटीग्रेशन कितना होगा t। तो यहाँ पे भी आपका इंटीग्रेशन कितना हो गया t, लिमिट कितनी है इसकी जीरो टू t। तो अब अपन इंटीग्रेशन कर चुके, ठीक है, अब अपन को ओनली क्या करना है इसकी लिमिट पुट करनी है। तो अपन लिमिट पुट कर रहे हैं, लिमिट पुट कैसे करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है इसकी v माइनस लोअर लिमिट कितनी है u इक्वल टू a, अपर लिमिट कितनी है t, लोअर लिमिट कितनी है जीरो, कितना हो गया v माइनस u इक्वल टू a t। और u को अगर उधर ले जाता हूं तो v इक्वल टू u प्लस a t। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, किसकी हेल्प से आई अपनी डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प से आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, क्या इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यस, अब अपन सेकेंड इक्वेशन की इक्वेशन की डेरिवेशन कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसकी जो डेरिवेशन है उसको अपन किसके फॉर्मूले से करेंगे, v के फॉर्मूले से, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी क्या होती है डिफरेंशियल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। किसके रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशियल चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस इक्वेशन की हेल्प से अपन क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, डी एस इक्वल टू क्या आ गया वी डी टी। ठीक है, अब वी वी क्या वेलोसिटी, लेकिन अभी मैंने फर्स्ट इक्वेशन प्रूव कर चुका हूं मैं, सेकेंड से पहले कौन सी प्रूव करी है फर्स्ट। तो अपन वी की क्या वैल्यू है यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू क्या यू प्लस ए टी। तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी मैं यहाँ पे वी की जगह पे पुट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने सेकेंड से पहले फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करी है। तो अपन उसका कंक्लूजन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय पुटिंग, ये आपकी इक्वेशन नंबर वन डाल दो, वैल्यू ऑफ वी इक्वल टू यू प्लस ए टी इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन के अंदर अपन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी की वैल्यू डाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगी डी एस इक्वल टू वी, वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाय डी टी। ठीक है, ये आपका यू प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाय डी टी, सॉल्व करते हैं उसको, डी एस इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। ठीक है, एक तो यू डी टी और एक ए टी डी टी। अब अपन क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा लिमिट पुट करनी पड़ेगी। लिमिट पुट अपन कर रहे हैं, एक तो किसकी लिमिट अपन को पुट करनी है, किस किस का डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर, किस किस का डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक तो एक्स एस के रेस्पेक्ट में और एक टी के रेस्पेक्ट में। तो अपन को लिमिट पुट किसकी करनी पड़ेगी, एक तो एस के और एक टी की। तो अपन क्या देखते हैं कि व्हेन, जब आपका टाइम कितना था जीरो टाइम था, तब आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ था क्या ऑब्जेक्ट का, नहीं। तो जब आपका टाइम जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट भी कुछ भी नहीं था, और जब आपका टाइम कितना हो गया टी टाइम हो गया, मतलब कुछ टाइम इंटरवल पास हो गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैंने बोल दिया कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एस। तो ये आपके क्या हो गए लिमिट्स हो गई। अब अपन क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं इक्वेशन नंबर टू का। तो बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन टू बाय पुटिंग लिमिट्स ऑफ एस एंड टी, एस और टी की लिमिट पुट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। अब लिमिट पुट कर रहे हैं, लिमिट
डिस्प्लेसमेंट की लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट कितनी है, जीरो, अपर लिमिट कितनी है, एस, तो लोअर लिमिट कितनी है, जीरो, अपर लिमिट कितनी है, एस, ऐसे टी, टी की लिमिट कितनी है, जीरो टू टी, इनिशियल लोअर लिमिट कितनी है, जीरो, अपर लिमिट कितनी है, टी, तो जीरो टू टी, और यहाँ पे भी डी टी है तो टाइम की लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो टू टी। इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एस डी एस इक्वल टू यू, क्या है कॉन्स्टेंट, कहाँ आ जाएगा बाहर, तो यू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टी डी टी प्लस ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, टी नहीं है कॉन्स्टेंट तो अंदर ही रहेगा क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में ही अपन कर रहे हैं उसको, तो जीरो टू टी 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 टी, तो ये हो गया। अब आप उसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, वो सिंपल फॉर्मूले ये वापस यहाँ पे क्या आ गया, वन डॉट डी एस, यहाँ पे क्या हो गया वन डॉट डी टी, वन डॉट डी एस का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होता है, एक्स, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या हो जाएगा, एस, और ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कितना हो जाएगा, टी, और उसके बाद में अपन को क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होता है आपका, एस, अपर लिमिट कितनी है, एस, लोअर लिमिट कितनी है, जीरो, इक्वल टू यू, इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट डी टी कितना होता है, टी, लिमिट पुट कर रहे हैं, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट टी, ऐसे ही, प्लस ए बाहर, यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, टी डी टी मतलब कोई ना कोई वेरिएबल है, कुछ नहीं है, टी की पावर कितनी हो गई, वन, और टी की पावर वन मतलब एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, तो वही यहाँ पे काम आएगा, क्या हो जाएगा, टी की पावर एन प्लस वन, एन कितना है यहाँ पर, वन, तो वन प्लस वन डिवाइड बाय वन प्लस वन, और इसकी लिमिट कितनी है, जीरो टू टी। तो इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे कितना हो गया, अपर लिमिट, अब इंटीग्रेशन तो कर चुके, इंटीग्रेशन तो कर चुके, अब अपन को क्या करना है, इसको एक स्टेप और कर देते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, एस जीरो टू एस इक्वल टू यू टी जीरो टू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये जो वन प्लस वन कितना होगा, टू, टू जो है इसको मैं बाहर लेके आ रहा हूं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए डिवाइड बाय टू, ठीक है, और ऊपर क्या है यहाँ पे, टी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितनी है, जीरो। अब अपन लिमिट की वैल्यू पुट कर रहे हैं, लिमिट की वैल्यू पुट कैसे करते हैं अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है आपकी यहाँ पे, एस माइनस जीरो इक्वल टू यू टी माइनस जीरो प्लस ए बाय टू टी स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर कितना होता है, जीरो, कितना बचा, एस इक्वल टू यू टी, टी माइनस जीरो वापिस जीरो प्लस ये ए बाय टू, इसको अपन जो वन बाय टू है इसको बाहर कर दिया, कितना हो गया ए, और ये कितना टी स्क्वायर, तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, कितनी हो गई, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी क्या सेकंड इक्वेशन है किसकी, मोशन की। फिर से एक बार देख लो, सबसे पहले अपन ने क्या करा था, वेलोसिटी का फॉर्मूला काम में लिया, कितना होता है डीएस अपॉन डी टी, यहाँ से अपन ने डीएस की वैल्यू निकाली कितनी हो गई, वी डी टी, उसके बाद अपन लिमिट इसकी जो ds इक्वल टू वी डी टी है उसके अंदर अपन फर्स्ट जो इक्वेशन है मोशन की वो अपन प्रूव कर चुके हैं, उसकी वैल्यू अपन ने पुट करी, किसकी वैल्यू अपन ने पुट करी, v की वैल्यू पुट करी, तो v की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं क्या u प्लस ए टी, तो v की जगह पे क्या लिखा अपन ने, u प्लस ए टी, ठीक है। उसके बाद में अपन ने इसको ओपन कर दिया, कितना हो गया आपका ds इक्वल टू यू डी टी, और उसके बाद में कितना हो गया ये ए टी डी टी, उसके बाद में लिमिट पुट कर रहे हैं, तो इनिशियल टाइम जब जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली बात है, टाइम आपने मोशन देखना स्टार्ट ही नहीं करा तो ऑब्वियसली बात है उसका उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो, और जब कुछ टाइम निकलने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस, आपको लिमिट पुट करना आना चाहिए, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों, यहाँ पे दोनों कंबाइनली काम में आ रहे हैं। नेक्स्ट, बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन टू बाय पुटिंग लिमिट, अब ये जो आपकी इक्वेशन है इसका इंटीग्रेशन लिमिट पुट कर दी अपन ने, एस की कितनी है, देखो जो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसकी लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे डी एस के रेस्पेक्ट में तो एस की लिमिट, यहाँ पे डी टी के रेस्पेक्ट में टी की, यहाँ पे डी टी के रेस्पेक्ट में टी की, और उसके बाद में अपन उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और फाइनल लास्ट में जब आपका सॉल्व हो जाएगा तो अपन लिमिट पुट कर देंगे, और लिमिट पुट करने के कैसे लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब लिमिट पुट कर देंगे तो आपको फाइनल क्या मिल जाएगा, इक्वेशन जो अपन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी निकल गई कौन सी, इक्वेशन नंबर सेकंड। यस, अब अपन ने दो इक्वेशंस कर ली है, डेरिवेशन कर ली है, अपन थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन आपकी क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो वापस आपका एक्सेलरेशन आ गया है, और इसलिए अपन इसकी कौन से इससे निकालेंगे फॉर्मूले से, एक्सेलरेशन की फॉर्मूले से, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है, डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, तो अब अपन
ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, कौन सा एक्सेलरेशन है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। क्या फॉर्मूला है उसका, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, मतलब डिफरेंशियल चेंज इन वी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, न्यूमरेटर डिनोमेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, डी ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों करना पड़े, रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अपने थर्ड इक्वेशन के अंदर ए बी ए और एस बी ए दोनों चीजें, इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एस से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, ए इक्वल टू डी वी, मैं डी एस को इधर लेके आ रहा हूँ, डी टी को इधर लेके आ रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा आपका, डी एस मल्टीप्लाई बाय डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, डी एस अपॉन डी टी, डी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी। डी एस अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं अपन, वेलोसिटी लिख सकते हैं, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। तो अपना ये सिंप्लीफाई होके क्या हो गया आपका, ए इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा v, तो इसको मैंने लिख दिया कितना, v मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, dv अपॉन ds। ठीक है, इसको ds को मैं यहां लेके आ रहा हूं लेफ्ट साइड में, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद कितना हो जाएगा आपका, ads इक्वल टू vdv। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। अब अपन को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक तो आपके इंटीग्रेशन में कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो आपका क्या आ रहा है s, और एक आपका क्या आ रहा है dv। ठीक है, एक तो क्या आ रहा है s और एक क्या आ रहा है dv, ds और dv। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, लिमिट पुट करनी पड़ेगी, किस किस की लिमिट अपन पुट करेंगे, एक तो s की और एक v की। तो अपन क्या देखते हैं कि व्हेन इनिशियली आपका टाइम कितना था, जीरो, तब आपका एस भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, और उस टाइम पर आपके ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है इनिशियली, अपन उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो आपकी वेलोसिटी कितनी थी इनिशियली, क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को अपन को किससे लिखते हैं, यू से। ऐसे ही जब आपका कुछ टाइम पीरियड निकल गया टी, तो आपका वो डिस्प्लेसमेंट भी हो गया कितना, एस, और आपकी वेलोसिटी कौन सी हो गई, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी को अपन किससे डिनोट करते हैं, वी से। तो ये आपकी लिमिट पुट हो गई, किस किस की लिमिट पुट हो गई। देखो आप कुछ के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टाइम की लिमिट की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, तो अपन ऑब्जेक्ट का मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो अपन को टाइम को तो देखना ही पड़ेगा। डायरेक्ट अपन ये नहीं बोल सकते कि इनिशियली डिस्प्लेसमेंट जीरो, किसके रेस्पेक्ट में, तो अपन बात किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो यहाँ पे टाइम की लिमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आपको टाइम लिखने की यहाँ पे नहीं पड़ी। ठीक है, तो इनिशियली इस इक्वेशन को अब यहाँ पे आपकी आ जाएगी, ये कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। तो अपन लिख रहे हैं बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विथ लिमिट्स। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, ए डी एस इक्वल टू वी डी वी, ये आपकी इक्वेशन 1 है। इसका मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करेंगे किस किस की लिमिट पुट करनी है, डीएस की, डीएस की लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, जीरो, अपर लिमिट कितनी है, एस। तो लोअर लिमिट कितनी हो गई, जीरो, अपर लिमिट कितनी है, एस। ऐसे ही वी, वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की लिमिट पुट कर रहे हैं, वेलोसिटी की लोअर लिमिट कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी यू, अपर लिमिट कितनी है वी, तो लोअर लिमिट कितनी हो गई यू, अपर लिमिट कितनी है आपकी वी। ठीक है, अब अपन इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रहा हूँ। ए क्या है आपका, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कहा जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, तो जीरो टू ए बाहर आ गया, जीरो टू एस डी एस इक्वल टू, यहाँ पे जो वी है वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डी वी के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए आपका वी कांस्टेंट नहीं है, तो वो अंदर ही रहेगा। तो आपका यू टू वी, वी डी वी, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ए कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होता है, एस, लिमिट क्या है इसकी, लोअर लिमिट कितनी है, जीरो, अपर लिमिट एस, इक्वल टू वी डी वी, वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी डी वी कुछ भी नहीं है, तो वी की पावर कितनी हो गई, वन, और वी की पावर वन मतलब एक्स की पावर वन, एक्स की पावर वन का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, यहाँ पे एन कितना है आपका वन, तो वी की पावर वन प्लस वन कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो वी की पावर वन प्लस वन डिवाइड बाय वन प्लस वन, और आपकी लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट कितनी है यू, अपर लिमिट कितनी है आपकी वी। जब इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो गया, ए एस जीरो टू एस इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू यू वी, और ये जो अपॉन टू है इसको अपन क्या लेके आ जा रहे हैं, ब्रैकेट से बाहर लेके आ जा रहे हैं, तो वी स्क्वायर वन अपॉन टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिमिट ओपन कर रहे हैं, लिमिट ओपन कर रहा हूं मैं यहाँ पे,
लिमिट की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए बार कॉन्स्टेंट है बाहर ही रहेगा, एस एस की अपर लिमिट कितनी है, एस लोअर लिमिट कितनी है, माइनस जीरो इक्वल टू वन बाय टू, अपर लिमिट कितनी है वी स्क्वायर के अंदर वैल्यू पुट करें, अपर लिमिट कितनी है आपकी वी, तो वी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट कितनी है यू, तो यू का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर होंगे क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो भी कौन सा है स्क्वायर वाला। नेक्स्ट सोल्व कर रहे हैं इसको, ए एस माइनस जीरो वही सेम रहेगा इक्वल टू वन बाय टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये जो टू है इसको मैं कहाँ लेके आ रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूँ, तो ये टू को मैं इधर लेके आ गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा टू ए एस यू स्क्वायर, इधर किसका माइनस का इधर आया कितना हो जाएगा प्लस का यू स्क्वायर प्लस टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं अपन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन थर्ड हो गई किसकी, मोशन की। तो अपन ने तीन इक्वेशन निकाली है किसके, किसकी हेल्प से निकाली है, इंटीग्रेशन कैलकुलस की हेल्प से निकाली है अपन ने, कैसे आपकी तीन इक्वेशन वो सामने है कैसे निकालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन किसके फॉर्मूले से निकलती है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, सेकेंड इक्वेशन किसके फॉर्मूले से निकलती है आपकी वेलोसिटी के फॉर्मूले से, और थर्ड इक्वेशन वापस आपके कौन से फॉर्मूले से निकलती है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, बस आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, डीएस अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डीएस से उसको क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई। यस, अभी तक अपन ने थ्री इक्वेशंस निकाल ली है मोशन की, कौन कौन सी इक्वेशन अभी अपन ने निकाली, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो ये अपनी तीन इक्वेशन है मोशन की। अब इसके बाद में एक और इक्वेशन होती है, क्या इक्वेशन है, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू ब्रैकेट में टू एन माइनस वन, अब यहाँ पे एस एन एथ, तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, किसके लिए एन एथ, एन एथ मतलब n सेकेंड के लिए, n सेकेंड का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर आपका कोई मोशन है, फॉर एग्जाम्पल आपका 10 सेकेंड का मोशन है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई 10 सेकेंड का मोशन है, 10 सेकेंड में से आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7th सेकेंड के ऊपर आपकी 5 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई, 7th सेकेंड के अंदर 5 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई, या फिर 9th सेकेंड के अंदर 3 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड का एक इंस्टेंट दे रखा है, एक पर्टिकुलर सेकंड दे रखा है, उस सेकंड के ऊपर वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन के अंदर अगर किसी इंस्टेंट का, किसी पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड का आपको क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको अगर पूछ रहा है या फिर गिवन करके कुछ और पूछ रहा है, तो उस टाइम पे आपको एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो इक्वेशन अभी अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन को, इसकी क्या डेरिवेशन है, वही वैसे ही डेरिवेशन है जिसे अपन ने सेकेंड वाली करी थी, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, डिफरेंशियल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ से जब आप इसको डी टी को इधर लेके जाते हो तो आपको निकल जाता है क्या डी एस इक्वल टू वी डी टी, और फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी की वैल्यू अपन जब यहाँ पे पुट करते हैं वी की जगह पे, तो वी की जगह पे मैंने क्या पुट करा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है यू डी टी ए टी डी टी, तो ये आपके दो निकल गए, इसको मैंने क्या डाल दिया इक्वेशन नंबर वन। अब पर्टिकुलर उस सेकंड का मेरे को टाइम इंटरवल मतलब डिस्टेंस चाहिए, मेरे को निकालना क्या एस एन एथ निकालना है, पर्टिकुलर एन एथ सेकंड का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरे को अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, अब इक्वेशन तो आ गई, अब इस इक्वेशन का मेरे को क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा कि भाई मेरे को लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करनी है तो एक तो डीएस आ रहा है तो एक तो एस की लिमिट चाहिए, और एक डीटी आ रहा है तो एक डीटी की लिमिट चाहिए, तो एक तो टाइम की लिमिट चाहिए एक डिस्प्लेसमेंट की लिमिट चाहिए, तो फॉर मैंने बोला मेरे को एनएथ सेकंड का चाहिए पर्टिकुलर, तो अब हो क्या रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी अगर टोटल तो फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी अगर 9 सेकेंड का मोशन कर रही है, ठीक है, अब आपसे वो बोल रहा है कि 9 सेकेंड के अंदर 9वें सेकेंड का, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे बोल रहा है कि आपकी बॉडी का जो मोशन है वो 10 सेकेंड का मोशन है, ठीक है, अब आपसे वो पूछ रहा है कि 9 सेकेंड के अंदर आपकी बॉडी का कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हुआ,
कौन से सेकंड में? नाइन्थ सेकंड में। अब अपन नाइन्थ सेकंड का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अपन यहाँ पे लिमिट कैसे पुट कर रहे हैं कि लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 8 सेकंड। लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 8 सेकंड। और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? 9 सेकंड। तो 8 सेकंड से 9 सेकंड के अंदर उसका जितना मोशन होगा वो आपके किसमें आ जाएगा? 9 सेकंड का मोशन। की 8 to 9 के अंदर आपका जो मोशन है वो किसमें आ गया? 9 सेकंड के मोशन के 9 सेकंड की डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। फिर से शॉर्ट में देख लो, आपका 10 सेकंड का मोशन है, आपसे क्या पूछ रहा है? 9th सेकंड के अंदर आपकी कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? अब 9 सेकंड, तो अपर लिमिट आपकी फाइनल कितनी हो गई? 9। तो अपर लिमिट तो 9 हो गई, और लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 8, क्योंकि 8 तक का आपको काउंट नहीं करना है। तो लोअर लिमिट कितनी हो गई? 8। क्यों? क्योंकि 8 तक का काउंट नहीं करना है, ओनली 9वें सेकंड से मतलब है। तो 8 आपकी लोअर लिमिट हो गई, और अपर लिमिट आपको किसका चाहिए? 9 सेकंड का। तो 9 आपकी क्या हो गई? अपर लिमिट। तो अगर एस एन एच सेकंड का निकालना है तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? Sn-1, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी? Sn, क्योंकि अपन को n उसका nवें सेकंड का अपन को चाहिए। तो इसकी डिस्टेंस ट्रेवल की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? Sn-1, और n-1 मतलब आपका टाइम भी कितना होगा? n-1 सेकंड। n क्या है? नंबर ऑफ सेकंड जिस सेकंड पे आपकी बात हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर 9वें सेकंड पे चाहिए तो n कितना हो गया यहाँ पे? 9 हो गया। और 8, तो 8 क्या हो गया? अगर ये आपका n है तो ये क्या हो गया आपका? n-1। तो आपका लोअर लिमिट कितनी हो गई टाइम की? n-1। उस पर आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कितना है? Sn-1। ऐसे ही अपर लिमिट कितनी हो गई? n सेकंड, 9 सेकंड वही, और डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई आपकी? Sn। तो अब अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका। इक्वेशन वन में लिख रहा हूँ, इक्वेशन वन आपकी क्या है? ds इक्वल टू udt प्लस atdt। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये इसका इंटीग्रेशन है, लिमिट पुट कर रहे हैं। s की लिमिट क्या है आपकी? Sn-1। कौन सी लिमिट है ये Sn-1? लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट कौन सी है? Sn। तो ऊपर कितना जाएगा? Sn। ठीक है, ऐसे ही t की लोअर लिमिट क्या है? n-1, और अपर लिमिट कितनी है? n। वैसे यहाँ पे n-1, और ये कितना हो गया? n। ठीक है, अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका। ds का इंटीग्रेशन कितना होता है? s। लिमिट पुट कर रहे हैं, कितनी है? Sn-1 और Sn इक्वल टू u कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना होता है? t। n-1 n प्लस a बाहर आ जाएगा t dt। t क्या? t की पावर 1। t की पावर 1 का कितना होता है इंटीग्रेशन? t² / 2 n-1। वैल्यूज पुट कर रहे हैं अपन लिमिट की, क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है? Sn-1 इक्वल टू यू। अपर लिमिट कितनी है? n। अपर लिमिट कितनी है? n माइनस लोअर लिमिट कितनी है? n-1 प्लस a बाय 2। बाय 2 को मैं बाहर लेके आ गया, अंदर कितना है? t². अपर लिमिट कितनी है? n। तो क्या हो जाएगा? n² ध्यान रखना, फंक्शन क्या है आपका? t², तो उसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो n है, तो n की t² का क्या हो जाएगा? n² माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है? n-1, और उसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपका जो वेरिएबल फंक्शन होता है उसमें आप लिमिट की क्या करते हो? वैल्यू पुट करते हो। सॉल्व कर रहे हैं इसको, Sn-1 मतलब 9वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस आपका 8वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो 9-8 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ओनली 9 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। आपने अभी क्या बोला था? अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था कि भाई 10 सेकंड का मोशन है, ठीक है, 10 सेकंड का मोशन है, उसमें से आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 9th सेकंड का डिस्टेंस बताओ, 9th सेकंड के अंदर कितने डिस्टेंस कवर हो रही है। तो कैसे निकालेंगे कि टोटल 9 सेकंड में जितने डिस्टेंस कवर हुई माइनस टोटल 8 सेकंड में जितने डिस्टेंस कवर हुई। तो 9-8 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? तो पर्टिकुलर 9th सेकंड के अंदर आपकी कितनी डिस्टेंस कवर हुई, तो यह आपका क्या निकल जाएगा? Sn-1 का मतलब पर्टिकुलर 9th सेकंड के अंदर आपको कितनी डिस्टेंस मिली इक्वल टू यू n-n कितना हो गया? +1 प्लस a बाय 2 n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो? ये कैसे दिख रहा है आपका? फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² मतलब n² माइनस 2ab, 2a, a कितना है? n, b कितना है? 1, लिखो फर्क नहीं पड़ता, प्लस b का स्क्वायर, b कितना है? 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। सॉल्व कर रहे हैं इसको, Sn इक्वल टू u,
ये प्लस एन माइनस एन दोनों क्या हो जाएंगे कट, ये क्या बचा वन, लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता, ए डिवाइड बाय टू अंदर एन स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस टू एन माइनस वन, एन से एन आपका कट हो गया, फाइनल आपका एस एन एच कितना बचा यू प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन, तो फाइनल आपके एन एन सेकेंड के अंदर एन एच सेकेंड के अंदर आपको अगर डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर पूछी जा रही है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। तो फिर से तीन इक्वेशन अपन ने पढ़ी, फोर्थ इक्वेशन क्या है कि क्वेश्चन में अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक सेकेंड का बोले कि मेरी बॉडी ने 10 सेकेंड का मोशन करा और 10 सेकेंड में आपको क्या निकालना है 9th सेकेंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर हुई, अब पर्टिकुलर 9th सेकेंड के निकालनी है तो अपन कैसे निकालेंगे टोटल 9 सेकेंड माइनस 8 सेकेंड, तो आपको क्या मिल जाएगा पर्टिकुलर 9th सेकेंड की आपको क्या मिल जाएगी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो दोनों सेम, तो इसलिए अपन को इस फोर्थ इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी फोर्थ इसकी, तो टोटल इक्वेशन आपकी कितनी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फोर्थ। तो अभी अपन ने क्या करा चार इक्वेशन पढ़ी किसकी मोशन की किसकी हेल्प से कैलकुलस मेथड से, मतलब वही आपके इंटीग्रेशन फॉर्मूले से। थैंक यू।